टेक्निकल बिट्टू फोन में स्वागत है दोस्तों आपका। आज आपको सैमसंग के बारे में है ना कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिनको दुकान वाला कभी नहीं बता सकता, मोबाइल रिपेयर वाला कोई चाहता ही नहीं कि आप तक ये जानकारी पहुंचे। अगर आप तक ये जानकारी पहुंच गई तो आपके फोन में दिक्कत आनी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप एक सैमसंग यूजर है तो ये ट्रिक आजमाइएगा, कभी भी आपका फोन खराब नहीं होगा सॉफ्टवेयर लेवल से। सॉफ्टवेयर कंडीशन में कभी भी आपके फोन में दिक्कत नहीं आ सकती। को चले जाना है सेटिंग के अंदर, कोई भी मॉडल हो आपके पास कोई दिक्कत नहीं, सैमसंग का होना चाहिए बस, है ना। वीडियो के बीच में आपको एक राज की बात भी बताऊंगा जो मैं भी यूज़ करता हूँ। आपको सेटिंग में जाने के बाद है ना ये डिवाइस केयर है ना आपके में होगा, इस डिवाइस केयर पे टिक करना आपको, ठीक है। इससे पता क्या होता है, हम अपने मोबाइल फ़ोन के सारे सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बैटरी पे अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर अगर बैटरी के अंदर कोई इशू होगा ना, कोई बग होगा, कोई ग्लिच आया होगा बैटरी के अंदर, यहाँ पे लिख के आ जाएगा फिक्स दिस रेड कलर में। अभी इस फोन में नहीं है, अगर आपके पास अभी सैमसंग फोन है करके देखना साथ के साथ, बहुत अच्छी टेस्टिंग होती है दोस्तों, ठीक है। उस पर फिक्स दिस पे टिक करेंगे तो उसके बाद वो 100% तक फिक्स अपने आप ही कर देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई सॉफ्टवेयर से लगाने की जरूरत है कहीं भी, और ना फोन को कहीं भी आपको अटैच नहीं करना है। अब आ जाते हैं बैक। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, स्टोरेज, स्टोरेज पे टिक करेंगे, फिक्स डिस्क का ऑप्शन यहाँ भी आ जाएगा, उस पर टिक करेंगे। अगर कोई अनऑथराइज ऐप अगर आपके मोबाइल फ़ोन को परेशान कर रही है और आपका मोबाइल फ़ोन नहीं चाहता उसको अपने फ़ोन के अंदर, जैसे कि कुछ मेहमान ऐसे आ जाते हैं जिनको हम भगाने की कोशिश करते हैं मगर भगा नहीं पाते, तो आप यहाँ से भगा सकते हो उसको, इस पर टिक करेंगे तो ये अपने आप ही उसको भगा देगा। अभी बैक चले जाते हैं। अब आते हैं मेमोरी पे। मेमोरी में ये होता है कि जनरली जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की ऐप के अंदर कुछ वायरस, कुछ बग्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारे फ़ोन के अंदर ऐप्स होती हैं और वो खामखा हमारे मोबाइल फ़ोन का डाटा या स्टोरेज घेर के रखती हैं, जैसे ज़बरदस्ती का कब्जा कर लेते हैं ना किसी किसी के प्लॉट पे, तो उन बंदों को निकालने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा होता है। देखो मेमोरी पे टिक किया हमने, अब देखो इसमें इस फ़ोन में ये नहीं कर रखा कस्टमर ने ना, हम करते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये क्लीन नाउ लिखा आएगा, या तो 1 GB या 2 GB, जितना ज़्यादा आपका कई महीनों से अगर किसी ने कब्जा कर रखा होगा आपके फ़ोन पे तो वो लिख के आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए क्लीन नाउ है ना, क्लीन नाउ पे टिक करना है आपको। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये अपने आप करेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा इसको, ठीक है, सिर्फ आपको क्लीन नाउ पे टिक करना है। अब ये क्लीन हो गई है, मेमोरी भी आपकी खाली हो गई है। अब चले जाते हैं बैक। ये 5 चीज़ें ज़रूर कर लेना याद करके। सिक्योरिटी, आपको कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस है ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली इस पे स्कैन पे टिक कर देना। उसके बाद आपकी जितनी भी ऐप जो मोबाइल फ़ोन की होंगी या अदर आपने कोई इंस्टॉल इसके अंदर करी होंगी, इनके अंदर कुछ भी ग्लिच अगर आया होगा, कोई बग्स वगैरह, कोई नुकसानदेह चीज़ आपके मोबाइल के लिए आई होगी, तो उसको ये क्लियर कर देगा आराम से निकाल के, टेंशन मत लीजिए। और कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल मत करना, उससे कुछ नहीं होता, उसके बेकार के आप महीने का कुछ ना कुछ चार्ज दोगे, वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए, अब ये 1 से 2 बार आप रन कर लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें से निकाल के बाहर कर देगा, अपने आप ही फिक्स कर देता है इसको, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इसको, है ना। ये देखो ये सारी चीज़ें निकालता चला जाएगा, जो भी ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होंगी सबको अपने आप छान मारेगा। ये सैमसंग कंपनी के खुद का इनका सिक्योरिटी का पैच लेवल होता है, ये अपने आप ही स्कैन कर लेगा सारी चीज़ों को आपके फ़ोन। देखो नो थ्रेट डिटेक्टेड इसने बता दिया। तो दोस्तों देखिए अब लिख के आ चुका है 100 ऑल गुड्स, ठीक है। इस तरीके से आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन की ये महीने में एक बार कर लेना, ये एक तरीके से इस सैमसंग की विभूति है, खुराक है, एक महीने में एक बार आप इसको ये खुराक दे देना, उसके बाद आपका फ़ोन सालों साल चलेगा। अब मैं एक राज की बात आपको बताता हूँ। देखो आपको है ना मैं फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ, इसका फ्रंट कैमरा कैसे साफ़ किया था एकदम क्लियर, वो आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया था। एक चीज़ आपको देखो दिखाता हूँ, आपको एक फ़ोन दिखाई दे रहा है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस फ़ोन को मैं 6 साल से चला रहा हूँ दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई हैंग होता है ना कुछ। ये जो मैंने 5 ट्रिक बताई है ना, यकीन मानना हर महीने मैं अपने आप ही इस काम को करता रहता हूँ, उसके करने की वजह से है ना मुझे 6 से 7 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यकीन मानना दोस्तों मैंने बैटरी तक इसकी चेंज नहीं करी है, 7 साल हो गए अभी तक बैटरी बैकअप ज़बरदस्त है। कुछ जो ट्रिक्स होती हैं वो मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे कहीं शादी ब्याह में कहीं बाहर जाना होता तो बैटरी के लिए टिप्स मैं क्या करता हूँ, बैटरी सेविंग मोड में डाल देता हूँ फ़ोन को, इससे 2-3 दिन चल जाती है बैटरी आराम से, फालतू ऐप रन नहीं होंगी बस, जिसका मैं यूज़ भी नहीं करता। तो कुछ चलाने का भी तरीका होता है, एक है ना मार्केट में मैंने एक अफवाह फैला दी जाती है दूसरी कंपनियों के द्वारा कि भैया सैमसंग के फ़ोन हैंग बहुत होते हैं, हैंग बहुत होते हैं, फिर लोगों की ज़बान पे चढ़ जाता है, वो एक दूसरे से सुनने के बाद बस यही कहने लग जाते हैं कि चाहे उन्होंने चलाया ना हो फ़ोन। एक राज की बात तो ये हो गई कि मैं खुद ही सैमसंग का ये वाला फ़ोन चला रहा हूँ, इसके आप वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हैं, कैमरा वगैरह ज़बरदस्त है, है ना। दूसरा इसकी बैटरी बड़ी अच्छी चलती है, तीसरा इसके हार्डवेयर में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे अपना खुद का फ़ोन है ना कभी रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और सॉफ्टवेयर में भी मेरे को कभी
भी इसमें फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना इसको रीसेट तो मैंने खैर मारा, रीसेट मैंने अपनी वजह से मारा, कभी कभी मेमोरी फुल हो जाती है, मैंने कई वीडियोज़ में बता रखा आपको कि कभी ऐसा हो जाता है सैमसंग के फ़ोन में कि वो आपकी मेमोरी फुल बताने लगता है, हालांकि चाहे आपका फोटो वीडियो बहुत कम हो, हो भी ना उसमें चार पांच फोटो पड़े हो, चार पांच वीडियो पड़े हो, मगर उसके बावजूद भी ये फुल स्टोरेज बताता है। उस कंडीशन में आप रीसेट मार दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन को, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सोल्व हो जाती है। मेरा ख्याल है आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।